दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। आज एक नई सक्सेस स्टोरी लेके हम आपके सामने आ रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर गेटिंग सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सारे स्टेट से, फिर वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, एमपी हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, सारे स्टेट्स के सक्सेस स्टोरीज हमारे पास आते हैं। लोग सीखने आते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, समझ लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एंड दे अचीव सक्सेस। तो वैसे ही आज मिथुन पटेल जी जो भावनगर गुजरात से है और दिनेश पटेल जी, ये दोनों पार्टनर्स हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी है। उनका कंटेनर आज यहाँ पे पैकिंग और लोडिंग हो रहा है, तो हम लोग उनसे जानेंगे कि हाउ दे गॉट दिस सक्सेस। मिथुन जी, बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू, आज आपका पहला कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो क्या बताएंगे आप इसके बारे में, आपका थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा बताएं लोगों को। एक्चुअली हम भावनगर से, मेरा नाम मिथुन पटेल है और पहले हम डायमंड का बिजनेस करते थे, फिर सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते, उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज है डायमंड के हिसाब से, ओके, तो इसलिए फिर हमने ये नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। एक तो ये ओपन मार्केट है, इसलिए हर कोई छोटा बड़ा हर आदमी ये बिजनेस कर सकता है। अच्छा, मैं हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। हाँ, हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी है, या तो सप्लायर बनने की है, ओके, फार्मर का कनेक्शन है तो सप्लायर बन सकते हैं, ओके, दूसरे कंट्रीज का आपके पास नॉलेज है तो आप एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं जी। हमारे इंडिया का देखा तो बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो नंबर देखे बेसिकली, नंबर देख के पता किया कौन कौन से प्रोडक्ट में क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। ओके, एक्सपोर्टर सबको पैसे दे रहा है, फिर वो फार्मर है, पैकर है, लॉजिस्टिक्स वाला है, इम्पोर्टर है ना, तो इस सारे लोगों को एक्सपोर्टर इज गोइंग टू पे, ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट, तो आई वुड से कि बाकी लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक्सपोर्टर को कैसा सपोर्ट मिले और उसका बिजनेस कैसे चलता रहे, फिर सारा रोटेशन चलता रहेगा। अदरवाइज इफ इम्पोर्टर ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ देन इट विल नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। वेल, तो फिर वो चिली का जो कंटेनर करना था वो ड्रॉप किया, आपका डिसीजन, और आप फिर दूसरे प्रोडक्ट पे आए। तो अभी फिर आपने क्या सोचा, अभी आप क्या कर रहे हो फिर आज? फ्रूट्स का है, तो फ्रूट्स में आम है, पोमोग्रेनेट है, राइट, उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, एग्जैक्टली, कंपटीशन थोड़ी कम है उसमें, ओके, राइट, इसलिए हमने अभी पोमोग्रेनेट और आम का कंटेनर किया है। तो तीनों प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या उनका साइज है, उनका पैकिंग कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे जैसे पोमोग्रेनेट का पैकिंग चल रहा है, तो पोमोग्रेनेट आपने कहाँ से खरीदा, कौन से एरिया से आया है? पोमोग्रेनेट गुजरात का है, कच्छ का, कच्छ का है। अभी अल्फोंसो आपने कहाँ से खरीदा है, देवगढ़ महाराष्ट्र का, जो ओरिजिनल होता है अल्फोंसो, जीआई टैगिंग वो अल्फोंसो है, तो वो उसका लैंडिंग कॉस्ट क्या आता है, वो कैलकुलेट किया आपने कुछ? तो बादामी कहाँ से आता है, कहाँ से प्रोक्योरमेंट किया? बादामी आंध्र प्रदेश से किया। आंध्र प्रदेश से, मतलब कौन से शहर से, एनी आइडिया? विजयवाड़ा से। ओके, तो विजयवाड़ा से किया आपने, तो आंध्र से आता है बादामी, काफी पॉपुलर है कन्फेक्शनरी में, जूस में चलता है, तो उसका पैकेजिंग बताएंगे, बॉक्स साइज क्या था? ओ, उसका बॉक्स साइज 2.8 केजी नेट वेट था और 3.4 केजी ग्रॉस वेट था। ओके, तो 2.8 केजी बादामी का पैकेजिंग साइज है, 2.8 केजी नेट वेट एंड 3.5 केजी ग्रॉस वेट, ग्रॉस वेट। ओके, तो आपका बायर है, आप अभी कौन से टर्म पे उनके साथ डील किया आपने, फिक्स प्राइस पे है कि कमीशन पे है? वो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हुआ है कंटेनर का? टोटल इन्वेस्टमेंट 28 लाख का हो गया। 28 लाख का, ये काफी बड़ा है, मतलब इसे बादामी 2500, अल्फोंसो 2000 बॉक्सेस एंड पोमोग्रेनेट 1500 बॉक्सेस, तो इतने बॉक्सेस हो गए। अब फ्रूट्स आर वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट, तो ये बड़ा प्रोडक्ट है, बट ऐसा है कि इसमें जितना आप ऊपर काम करेंगे उतना कंपटीशन भी कम दिखेगा। 28 लाख का कंटेनर है ये, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट आई वुड से, तो इसमें आप कितना परसेंट प्रॉफिट टारगेट कर रहे हो? उनके ब्लड में बिजनेस है, तो ऊपर नीचे हम भी जब बात करते गुजरात के लोगों से कि सर इसमें रिस्क होते हैं, हाँ सर वो ऊपर नीचे तो होता रहता है, हमको पता है, हमको बिजनेस करना है, तो आई थिंक वी अंडरस्टैंड द बिजनेस वेरी वेल, दे हैव द वेरी गुड नेटवर्क, और वो डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं, कुछ भी वहाँ 19 भी तो वो रुकते नहीं है, तो लर्न आउट ऑफ दैट एंड आई एम श्योर कि दे विल प्रोसीड फर्दर, दे विल प्रोग्रेस फर्दर आफ्टर दैट। वही तो काम है कि मार्केट समझना, शुरुआत करना, चैलेंजेस आती है, चैलेंजेस को सॉल्व करना है, बिजनेस है।